और कार्य करें। कैसे? एक उदाहरण है, सबके जीवन में ऐसा घटित होता, किसी के जीवन में तुरंत होता। असल में क्या है ना, मुश्किल ये है कि ये कर्मों का फल जो है वो पूरा का पूरा अगर तुरंत ही मिल जाता तो लोगों की समझ में आ जाता, लेकिन ये थोड़ा बहुत तुरंत मिलता है, बाद में मिलता है, तब तक हम भूल चुकते हैं कि ये कौन सी चीज का फल आवे, तो हम नकचू नहीं करो और जो एक और मुसीबत आ गई। हम अच्छे अच्छे चले जा रहे और जब मुसीबत आ गई, ये असल में तुरंत के तुरंत मिलकर के हिसाब चुकता हो जाता तो भी था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत होते हैं, दूरगामी परिणाम बहुत होते हैं जो हम एक क्षण में करते हैं। वो कहते हैं ना कि तवारीखों के वे मंजर भी हमने देखे हैं, जब लम्हों ने खता की और सदियों ने सदा पाई। एक क्षण को हम चूके थे और कई कई दिनों तक हमें उसका पनिशमेंट, उसका फल भोगना पड़ा। ऐसी स्थिति हमारे साथ बन जाती है, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता। किसी के जीवन में तो तुरंत रिटर्न होके आता है। उसका उदाहरण है, एक व्यक्ति, ये मैंने सच्ची घटना है, एक व्यक्ति ने अपने बेटे की शादी में बेटी वालों को इतना अधिक परेशान किया, इतनी तकलीफ पहुंचाई कि जो देखने वाले सज्जन पुरुष थे उनको भी अच्छा नहीं लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं। और उसमें से एक व्यक्ति ने आकर के, ये कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र ने लिखा है, उनके जीवन का संस्करण, उन्हीं ने लिखा कि मैंने जाकर के उनसे कहा कि ये आपको शोभा नहीं देता। तो मालूम उन्होंने क्या कहा, अरे गन्ना तुम नहीं जानते, गन्ने को निचो जब रस निकलता है, ऐसा उदाहरण दे। इतना सब करने के बाद भी क्या उदाहरण दे रहे हैं वो कि गन्ने को निचो तब रस निकलता है। इनने कहा भैया ऐसे व्यक्ति से अपन जो आदमी के स्तर से नीचे उतर जाए उससे बात करने का क्या औचित्य है, कोई औचित्य नहीं। तो ये अपने एक तरफ हो गए। दो तीन साल के बाद उन्हीं सज्जन की, जिनकी बेटे का ब्याह हुआ था, अब बिटिया का ब्याह हुआ,